हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग दो कोर्स ए के काव्य खंड का पहला पाठ पद पढ़ाएंगे। इसके कवि सूरदास जी हैं। इसका पहला पद देखिए, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनी तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्योजल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटे जो पागी। यह पद सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें गोपियों ने कृष्ण के मित्र उद्धव की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग करते हुए उन्हें भाग्यशाली बताया है। वे उद्धव से वार्तालाप करते हुए निर्गुण ब्रह्म की अपेक्षा प्रेम मार्ग को अपनाने पर जोर देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम बंधन से बिल्कुल अछूते अर्थात स्वतंत्र हो, और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त हुआ है। इससे संबंधित वो दो एग्जाम्पल देती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते सदा जल के अंदर रहते हैं, परंतु वे जल से अछूते ही रहते हैं, उन पर जल की एक बूंद का भी धब्बा नहीं लगता। और दूसरा एग्जाम्पल देती हैं और कहती हैं कि जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में रखने पर जल की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हो। तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव ही नहीं डुबोया और ना ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई, इसलिए तुम हमें कृष्ण को भूलने का संदेश दे रहे हो। यदि तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो तुम हमें कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग साधना को अपनाने का संदेश कभी नहीं देते। कभी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आगे कहती हैं कि हम भोली भाली स्त्रियाँ हैं, हम तो कृष्ण प्रेम में ऐसी दीवानी हो चुकी हैं जैसे चीटी गुड़ से लिपटी रहती हैं, अतः तुम चाह कर भी हमें कृष्ण प्रेम को भूलने के लिए विवश नहीं कर सकते। दूसरा पद देखिए, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे ऊदो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुन सुन विरहनी विरह दही, चाहती हुती गुहार जिते ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा न लही। गोपियां उद्धव से अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हमारे मन की व्यथा मन में ही रह गई, हे उद्धव, हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें, हमसे कुछ भी नहीं कहा जाता, हम तो कृष्ण के आगमन की आशा लिए उनके आने की नियत समय के सहारे ही अपने तन मन की व्यथा को सहती जा रही हैं। अब इस योग के संदेश को सुन सुनकर तो वियोग में जीने वाली हम गोपियाँ विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा करने के लिए हम जहाँ गुहार लगाना चाहती थी वहाँ से तो वियोग की प्रबल धारा आ रही है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उल्हाने देती हुई कहती हैं कि अब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें, कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी, अर्थात प्रेम की मर्यादा का पालन कर यहाँ आने की बजाय कृष्ण ने हमें प्रेम का त्याग कर ज्ञान का आश्रय लेने का संदेश भेज दिया है। हमारे हरी हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृण कर पकरी, जागत सोपत स्वप्न दिवस निस्काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है सो जो करवी ककरी, सूत व्याधि हम को ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत ने ले सोपो जिनके मन चकरी। इस पद में कवि ने कृष्ण के प्रति गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन किया है। उद्धव ने जब मथुरा से ब्रज में आकर गोपियों को कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग साधना का उपदेश दिया, तब गोपियां इसका उत्तर देती हुई कहने लगीं, कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान हैं। हमने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के नंदन को दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है, अर्थात हम मन से दिन रात कृष्ण का मनन करती रहती हैं, हमारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं और हम हर समय कृष्ण के बारे में ही बातें करना पसंद करती हैं। हम जागते हुए सोते हुए दिन रात तथा सपने में कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं, अर्थात चारों पहर हमें कृष्ण की ही याद आती रहती। तुम हमारे लिए यह निर्गुण उपासना
को अपनाने की बीमारी कहाँ से ले आए हो? ना तो हमने ये कभी देखी और ना कभी सुनी और ना ही हमको कभी ये हुई। इसके बारे में सुनना ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता उसी प्रकार कृष्ण प्रेम को छोड़कर तुम्हारे निर्गुण उपासना के मार्ग को अपनाया नहीं जा सकता। अंत में गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, यह योग साधना का संदेश तो तुम जाकर उन लोगों को दो जिनका मन चक्री के समान स्थिर नहीं रहता, अर्थात चंचल रहता है। अंतिम पद देखिए, हरी है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के परित डोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाए चलत जोते चुराए, ते क्यों अनीति करे अपन जो और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाए सताए। मधुकर के माध्यम से गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए वे श्री कृष्ण को राजनीति का पंडित बताते हुए उनकी बुद्धि और अधिक होने का दावा करती हैं। एक गोपी अपनी सखी से कहती है, हे सखी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अब राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है और उसमें पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब वे राजनीतिज्ञ बन गए हैं, इसलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी छल कपट का सहारा ले रहे हैं। मधुकर रूपी उद्धव ने योग ज्ञान से जो बातें कही, क्या वे तुम्हारी समझ में आई? क्या श्री कृष्ण का कोई हालचाल जान पाई हो? एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, जिन्होंने छल कपट से परिपूर्ण प्रेम जाल में हम सबको फंसा लिया और यहाँ हमें तड़पता हुआ छोड़कर अपने आप मथुरा चले गए। दूसरे, अब उन्होंने राजनीति का गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, उन्होंने अपनी और अधिक बुद्धि का परिचय देते हुए हम गोपियों के पास योग ज्ञान का संदेश भेजा है। वे दूसरों का उपकार किया करते थे। कृष्ण की इतनी बातें जान लेने पर हम इतनी तो आशा करते ही हैं कि श्री कृष्ण ने चलते समय जो हमारा मन चुरा लिया था अब उसे हम वापस पा लेंगे। वे कृष्ण जो दूसरों का अत्याचार करने से रोकते थे और दूसरों का अत्याचार बंद करा देते थे, अब वे खुद ही अन्याय के पथ पर चल रहे हैं। कवि सूरदास के माध्यम से गोपियां कहती हैं कि राजधर्म तो यही कहता है कि किसी राजा को अपनी प्रजा को सताना नहीं चाहिए और उसकी भलाई का सदा ध्यान रखना चाहिए।